ये चमगादड़ों के साथ कौवा देखा होगा आपने, और तोता भी है इसके साथ। जितने भी इसमें चमगादड़ हैं, देखिए ये पूरा आपको हम चमगादड़ दिखा रहे हैं, ये भी चमगादड़ है। और अब कौवा हम आपको दिखाएंगे, ये काग बैठा है, और ये तोता भी हम आपको दिखाएंगे, ये तोता बैठा हुआ है, और ये कौवा, और ये कौवा की देखिए, ये कौवा बैठा हुआ है, और वो उधर मधुमक्खी का छत्ता है, और ये उधर बीच पेड़ में क्या आपको नज़र आ रहा होगा, सूरज। सब चीज़ इसमें मिली भगत है, सब का इसमें हिस्सा है, सबका अधिकार है इसमें, सबको बैठने का, लटकने का, सबको। चमगादड़ ही चमगादड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, साथ में कौवा भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो देखिए ये आपको कोई काला काला जो नज़र आ रहा है, ये चमगादड़ है। आपने अगर उल्टा लटका हुआ चमगादड़ नहीं देखा है तो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये एक नहीं है, ये अनेक है। देखिए काफ़ी सारे इस पेड़ में लटके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा। देखिए ये सारे चमगादड़ हैं जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये। और साथ में एक खास बात हम आपको बता दें, ये देखिए, ये इसमें मधुमक्खी भी है, मधुमक्खी का छत्ता भी है। देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता भी है, और इसमें कौवा भी है, कौवा भी आवाज़ कर रहा। देखिए वो दिखा, हम आपको कौवा भी दिखा देते हैं। और नहीं, चमगादड़ के पीछे कौवा लग जाता है, लेकिन एक साथ बैठा है। तोता भी अभी उड़ के गया है, और देखिए ये कौवा बैठा है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये कौवा है, ये काग बोलते हैं जिसको, ये कौवा है, और ये कौवा बैठा है, और अभी इसमें तोता उड़ के गया। देखिए पर फैला रहा है अपना ये चमगादड़, ये पूरे चमगादड़ उल्टे लटके हुए हैं, जितने भी चमगादड़ हैं ये रात में सफ़र करेंगे और दिन में उल्टा लटक कर आराम कर रहे हैं। अब इनकी पकड़ का भाई इसका अंदाज़ा नहीं है, इसकी सर्चिंग करनी पड़ेगी और इसके बारे में फिर पता करना पड़ेगा, ये जब सोते हैं तो क्या ये पंजा इसका अटक जाता है, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पूरा चमगादड़ का हमने आपको वो दिखाया, पूरा देखिए, पूरा इस पेड़ में सारे लटके हुए हैं चमगादड़ों ने, इन पर इस पेड़ पर कब्जा कर रखा है। जितने भी नज़र आए हैं आप, पूरा पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा, वे आपको आ रहा है नज़र। देखिए आगे बढ़ेंगे, चलिए इस महल के बारे में हम आपको और आगे बताएंगे। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज़ देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। मैं आपको बता दूं, आज हम भरतपुर से 32 किलोमीटर दूरी पर डीग में पहुंचे हैं, और डीग के जल महल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीग का जल महल, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। जल महल चारों तरफ अगर आप नजरें घुमाएंगे तो यहाँ से आपको जल ही जल दिखेगा, इसलिए इसको जल महल कहा जाता है। महाराजा सूरजमल जी के, मतलब ये महाराजा सूरजमल जी ने इनका निर्माण करवाया था, और ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी लगता है। डीग जो है, डीग विधानसभा भी है, और डीग भरतपुर जिले में आता है। महाराजा सूरजमल द्वारा ये बनवाया गया। मैडम बताओगे इसके बारे में कुछ? और साथ ही कुछ हम आपको और बताना चाहेंगे कि ये उस वक्त में एक राजधानी हुआ करती थी, इसी वक्त में ये राजधानी हुआ करती थी, ये जल महल जो है वो राजधानी हुआ करते थे। लेकिन अभी जो है एक जल महल है, इसको देखने के लिए जगह जगह से लोग यहाँ आते हैं, पर्यटन स्थल अब ये बन चुका है। और यहाँ जो है डीग महल की खास बातें हम आपको जानकारी, ये शाम को पानी चलेगा इनमें, और शाम को यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सब अभी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सभी में पानी चलता है, फारे जिसे होली के अवसर पर रंग बिरंगा पानी, होली के जैसे होली है अभी, तो होली के अवसर पर आप देख सकते हैं कि कलर आपको नजर आ रहा है, तो रंग बिरंगे मतलब होते हैं, रंग बिरंगा है इसमें होता है, रंग बिरंगा पानी, कलर का पानी मिलता है। और यहाँ बालाजी का मंदिर भी है, मुख्य चीज़ और बताना चाहूँगा, बालाजी का मंदिर भी है। भाई शायद मंदिर से पूजा करके आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है अपना? क्या नाम है, कहाँ से? दीपक गोस्वामी, आगरा से। आगरा से कुछ बताएंगे जल महल के बारे में, आपने जो सुना? हम जब भी आते हैं ब्रज चौरा से, हम जरूर यहाँ पे आते हैं। हनुमान जी का मंदिर है इधर, जो हकीक नामक नक्शे बना हुआ है, पंडित जी बताते हैं, और वो एक ही पत्थर का बना हुआ है। सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है, एक ही पत्थर से। हाँ, कहाँ पे है? अंदर है, इसके अंदर हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है वो, और उसमें एक एक नसें दिख रही हैं हनुमान जी की। अच्छा, जो शरीर की जैसे हमारी नसें होती हैं वैसे उनकी नसें दिख रही हैं, और जो भरत जी ने जो तीर मारा था वो तीर का निशान भी है उनके पैरों पे। अच्छा, अगर पंडित जी हुए तो आपको जरूर बताएंगे, हम तो गुलाल भी चढ़ा के आए हैं, अभी उनको प्रसाद भी लगा के आए हैं, आप जाइएगा देख के आइए। देखिए भगवान जी की एक सोनी सी मूर्ति, बहुत अच्छी दृश्य दर्शन। होली मुबारक आपको, हार्दिक शुभकामनाएं आपको होली के पावन अवसर पर। चलिए आप हमारे साथ पूरा डीग महल, आज यानी कि जो डीग का जल महल
उसके दर्शन आपको करवाने वाले हैं, वो दिखाने वाले हैं हमारे साथी हमारे सहयोगी आपको एकदम यहाँ से दिखाएंगे नज़ारा आपको दिखाएंगे। इधर मैं देखना चाहूँगा जो इसके सामने का है, यहाँ ये झूले वाला जो बना हुआ है, इधर झूला रहता था जिसपे पहले झूला जो होता था झूले पे झूलते थे या फिर यूँ कहें कि झूले के लिए होता था, ये वो जगह है। ये पूरा महल है और इसमें सभी को संजो के रखा गया है। जो इसमें अंदर की जो ये अंदर क्या है, ये अंदर अंदर महल है अंदर कुछ। एक सेकंड में ब्रेक लेना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि जल महल, यानी कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जल है और जल के अंदर ही, यानी कि यूँ कहें कि जल के बीच में ही यह महल है, इसीलिए इसको डी का जल महल कहा जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जल किस तरह से यहाँ भरा हुआ है पूरी तरह से, जो अभी तो ये इस वक्त में तो कुछ इसकी जो स्थिति है थोड़ा इसमें पानी जो है वो डाउन चला गया है, लेकिन अगर बात करें पहले की तो ये पूरी तरह से यहाँ भरा हुआ रहता था और ये पूरी तरह से आप इसमें जल देख सकते, तो इसलिए इसको जल महल के नाम से जाना जाता है। आप हमारे साथ रहिए, पूरा दृश्य हम आपको इसका दिखाएंगे। चलिए ये रोड है ना सामने जो मतलब नंगर और भरतपुर के लिए डीक से भरतपुर वाला जाने वाला था। हाँ, कामा के लिए भी ये सब जा रहा। हाँ, कामा के लिए अभिषेक चौराया है। अभिषेक चौराया से उधर क्या है, उधर जो भी शस्त्र वगैरह रखे हुए हैं उधर में। और ये इधर, ये इधर ये जो महल था पहले राजा महाराजा जो रहते थे, थोड़ा इधर घूमने का पार्किंग इधर भी है पीछे में थोड़ा। ये सूरज भवन है ना जी, सूरज भवन। मतलब इसका सूरज भवन कैसे नाम रखा गया, ये तो मुझे नहीं पता, गाइडर बताएगा। सूरजमल महल तो है ही है। तो ये पानी के फुहारे है ना, पानी ये शाम को पानी के फुहारे चलेंगे, शाम को बता रहे हैं, शाम को बता रहे। अच्छा, पार्क मुझे बड़ी मस्त लग रही है इसमें। ये पूरा ये राजा महल था तो रानी महल होगा हमको लगता है। अच्छा अजय जी ये बताओ, इस जमाने में ऐसा महल बन जाएगा, पॉसिबल है? इस जमाने में ऐसा बनना, ये पत्थर का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मिल तो जाएगा, बन भी जाएगा, लेकिन कारीगर जो एक कारीगर मेन वजह है। आज के वक्त में कितने ही बड़े इंजीनियर हो जाओ, लेकिन पहले वाले जो इंजीनियर थे भाई साहब वो तो कमाल थे। ये तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है इसमें गर्मी नहीं लगती, एसी की कूलर की पंखे की। घर बनाते हैं सबसे पहले एसी लगवाते हैं, लेकिन कुछ आशिक ऐसे भी होते हैं जो खुशी कुलदीप भी लिख जाते हैं। और एक और भाई है अखिलेश, अखिलेश लिखा है दिल में। हाँ, दिल बना के एकदम। क्या दिल की क्या, क्या दुआ कबूल होती है या इनकी मन्नत पूरी होती है, क्या नहीं लोगों का मन होता है भैया। गाना चला नहीं, ऐप तो होते हैं लोगों में, देखिए जिस तरह ये भी लिखा है, ऐप होते हैं। अच्छा भैया आप कहाँ से हो, कहाँ से हो आप? मैं गोवर्धन से हूँ। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताओगे आप हमें? क्या बताएं, बताओ इसकी खासियत, इसके जो मतलब क्या सुना था आपने और अब आप देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? यहाँ ऐसा है, बढ़िया लगता है। और यहाँ ज्यादातर वही सिस्टम होता है जो आपस में मिलते हैं लोग देखने आते हैं कुछ। अच्छा, घूमने आते हैं, आपस में मिलने आते हैं, वही है सब इधर। अच्छा, लवर्स आते हैं, कपल्स आते हैं, लवर्स आते हैं इधर इधर। आज तो हमें दिख नहीं रहे, ये सब डोल तो रहे, डोल रहे हैं। ये हस्बैंड वाइफ हैं, वो लवर है, सिस्टम किधर, इधर से ही गए, वो सिस्टम करते करते उधर गए। वो जब मतलब प्यार करते करते बातें चीते करते दिखाते हुए भाई अपने। ज़ूम कीजिए, आ जाएगा वहां से, देखिए लड़का और लड़की है एकदम, कहता है ना निब्बा निब्बी। ये खजूरों के बीच में के देखिए, खजूरों दो पेड़ है खजूरों के, उनके बीच में के बिल्कुल आपको नजर आ रहे होंगे कपल्स, नजर आ रहे होंगे दो, है ना? हाँ, उनको नहीं पड़े हैं हम नज़र, हम दिखा देते हैं उनको है? पूरा। हाँ, ये कपल्स हैं, देखिए ये दोनों कपल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल धुंधला धुंधला आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। देखिए वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ, रील्स बना रहे हैं, रील्स रील्स
रील्स बना रहे हैं, बना रहे हैं क्योंकि भाई रील्स का जमाना है, क्या है लड़का लड़की अपने दोस्त भी हो सकते हैं, छोड़ना सोचिए, सोच नहीं हमारी सोच गलत नहीं है, ठीक है नहीं हम विवर्स से कह रहे हैं, जो देख रहे हैं वो कुछ और भी सोच रहे होंगे, आप ऐसा मत सोचिए भैया जी, हो कोई नहीं, डीटीवी न्यूज है हमारा चैनल। हाँ ये भाई दोनों आए, भाई ये पकड़ी, बात कीजिए मामा से, किसका है? हाँ भैया कहाँ से आए हो? है कहाँ से आए हो? खटी मोहल्ला थे। अच्छा कितनी बार देखा है इसको? इसको भाई हम तो रोज आने के देखते करते रहते हैं। देखते क्या खासियत है इसमें? वीडियो मत बना यार, ये खासियत बता ना, क्या खासियत है? मोहल्ला पता जय सिंह एक माली है, पूरी हिस्ट्री पता है उसको, पूरा इतिहास माली। हाँ पूरा इतिहास कहाँ पे? सामने बैठा वो, सामने जय सिंह माली। हाँ जय सिंह पूरा इतिहास। अच्छा पूरा इतिहास, जय सिंह माली को पूरा इतिहास पता है इसके बारे में, तो हम पूरा इतिहास आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हाँ ये देखिए कितना शानदार पार्क है, बहुत ही ज़्यादा। और शाम के समय आज होली का दिन है तो शाम को इसमें फायरे चलेंगे, रंग बिरंगे पानी के, देखिए बहुत बड़ा है, इतना आज हम थक जाएंगे घूमते घूमते। थोड़ा बस इधर देख लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न करेंगे। हैं ओ वो उसको भी तो पकड़ना है जय सिंह माली को, तो मामा आया का फोन आ रहा, कह रहा हूँ बात करवाने, कह रहा था। हम अभी डीक का महल घूम रहे हैं, जो पानी का पाय रखा है ना, बाद में बात करेंगे, लोगों को दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं, उनका डीजल बचा रहे हैं, उनका समय बचा रहे हैं, है ना जी सर, पूरा हम दिखा रहे हैं ना। आइए जल्दी में, थोड़ा पैर भी जल है, देख रहे हैं कि वो उधर तोप रखी है महाराजाओं ने लड़ाई वड़ाई रखने के लिए, तब होता था तो वो जो सामने वाला देख रहा है। कहावत में है ना हमारी मेवाती में, कौन सी कहावत है, मामा ना तोप तोप धरी, हाँ, लिया तू अपनी तोप है, हैं देख लिया तो उधर देख लीजिए कैमरा। अच्छा हाँ कहवे न लिया तू अपनी, कहवे न लिया अपनी तोप, देख तोप दिखाएंगे हम, ये रही भैया डीक की तोप है, दो आदमी बैठे है ऊपर और ये तोप देख लियो, डीक की तोप है क्यों? अच्छा नू कहावत है ना, लिया तू डीक की तोप है, है दिल्ली की तोप है, डीक की तोप है, अलवर में भी है, अजमेर में भी है, और जयपुर। ये तो वही है कि सो हुए हैं, इसमें सारा कुछ जो अस्त्र शस्त्र वो इसमें रखे हैं ना। चलो दिखाते हैं।